यह है मेरा चैनल माय फर्स्ट ट्यूटर और मैं हूँ आपका ट्यूटर। ये एक एडुकेशनल चैनल है। इस चैनल में आपको CBSE बोर्ड के सिलेबस के क्लास 9 और क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, जो क्लास 10 की चैप्टर नंबर 11 है, इलेक्ट्रिसिटी। ये रैशनलाइज सिलेबस की चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रिसिटी, उस पर आज की पहली क्लास शुरू करते हैं। बिजली क्या होती है, ये विद्युतीय परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे प्रभावित होती है, वो कौन सा कारक फैक्टर है जो विद्युत परिपथ के माध्यम से धारा को नियंत्रित करते हैं, इस अध्याय में हम इस प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट और उसके अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन पर भी चर्चा करेंगे। आधुनिक समाज में बिजली का महत्वपूर्ण स्थान है। ये घरों, स्कूलों, अस्पतालों, उद्योग आदि में विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा का एक नियंत्रणीय और सुविधाजनक रूप है। हम वायु की धारा एयर करंट और जल की धारा वाटर करंट से परिचित हैं। हम जानते हैं कि बहता हुआ पानी नदियों में जलधारा का निर्माण करता है। इसी प्रकार अधिविद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज किसी चालक यानी कंडक्टर से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए धातु की तार से, तो हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोस थ्रू ए कंडक्टर। आज हम सीखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, बिजली क्या होती है, व्हाट डज अ स्विच डू, एक स्विच क्या करता है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युतीय परिपथ किसे कहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये कंडक्टर यानी किसी धातु की तार हो सकती है, उससे प्रभावित कर रही है। यहाँ मैंने एक ही चार्ज को दिखाया है, वास्तव में ये बहुत सारे चार्ज होते हैं। जो यहाँ पर ये ब्लू कलर में जो नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है, दैट्स इलेक्ट्रॉन है, वो फ्लो कर रहा है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे एक इलेक्ट्रॉन की समूह ये बहती है तार में, फ्लो करती है कंडक्टर पे और उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, फॉर एग्जांपल थ्रू ए मेटलिक वायर नोन एज इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। ये जो सवाल है, इस तरह के सवाल बीच बीच में आते रहेंगे जवाब के साथ। आप इसकी क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं आपके पास, जब सारे चैप्टर कवर हो जाएंगी तो एक क्वेश्चन बैंक बनेगा, उसके साथ उसके आंसर भी होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर और इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बैंक का डाटा तैयार हो सकता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक की सर्किट दिखाई दे रही है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, एक स्विच जो ऑन कंडीशन में है और ये बल्ब जो है वो जल रहा है। अब अगर हम इस स्विच को ऑफ कर देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह स्विच ओपन कंडीशन पे है और यह बल्ब जो है वो जलना बंद कर दिया है। अब यह स्विच करता क्या है, व्हाट डज ए स्विच डू, ए स्विच मेक्स ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। अगर कहीं भी ये लिंक जो है वो टूट जाएगा तो फिर ये बल्ब का जलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सर्किट है जो ब्रोकन कंडीशन पे है और टूट गई है, स्विच तो ऑन है लेकिन फिर भी बत्ती जल नहीं रही है। तो इफ़ द सर्किट इज़ ब्रोकन एनी वेयर द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड बल्ब जो है वो डज नॉट ग्लो, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, आप देख रहे हैं ये एक कंटिन्यूस पथ है, कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आप इस सर्किट को अपनी कॉपी में बना सकते हैं और जब एग्ज़ाम के टाइम कोई सवाल आए तो उसको आप जवाब में ये ड्रॉ करके ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम सीखेंगे डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ करेंट, धारा की इकाई की परिभाषा, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट,
विद्युत धारा की पारंपरिक दिशा एक्सप्रेशन और इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के लिए अभिव्यक्ति, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की इकाई, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम आवेश, चार्ज पॉजिस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास आवेश, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की इकाइयाँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।